पसीना लगा हुआ है और आज कैनी जो काले भट्ट की ये डाल दिया है इसमें माड़ा और ये हमारा घर है। थाली में पसक दिया है भाप पुदीना, तो ये है कशनी। तो दोस्तों सभी को नमस्कार। आज के ब्लॉग में आज मैं घर में हूँ, मम्मी गई है खेत में, तो आज खाना बनाने की ड्यूटी मेरी है। और आपको दिखाते हैं पहाड़ में जो घर में व्यक्ति रहता है उस पर खाना बनाने की जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों ये लगा है मेरे आंगन में पुदीना, आप देख सकते हैं इस तरह से पुदीना लगा हुआ है। और आज पुदीने की चटनी बनानी है, मम्मी खेत में गई है तो आज खाना बनाने की ड्यूटी बना रहा हूँ। भटकी दाल और भात और साथ में चटनी, और इसकी चटनी बनेगी। आपको दिखाते हैं कि पुदीने की चटनी में क्या क्या मिलाया जाता है हमारे पहाड़ों में। पहाड़ों का खाना आपको दिखाते हैं आज की। बड़ा बेटा इसको हर पल पल भूख लग जाती है। अब इसके हाथ में देखो क्या है, दिखाओ जरा अपने हाथ में क्या है तुम्हारे हाथ में, सीधे करके ऐसे खड़ा करके। तो इसने नमकीन खा दिया, अब यह क्रीम रोल खा रहा है, इसको थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। मैंने अपने आंगन से तोड़ के टहनी सहित तोड़ा है, अब इसकी पत्तियां ही पत्तियां निकालेंगे और इसके बाद इसको मिक्स ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाएगा। तो इस तरह से पुदीने को तोड़ के इसको धो के, क्योंकि इसमें काफ़ी आजकल कीड़े मकौड़े लगे रहते हैं, इसलिए इसको साफ करके धोना ज़रूरी है। इस तरह से मैंने इसको अब पत्तियां इसकी निकाल ली हैं और इस टहनी को अलग कर दिया है। अगर आप टहनी सहित इसको तोड़ेंगे तो ये धोने में सफाई होती है, इसीलिए इसको टहनी के सहित तोड़ा जाता है, फिर उसकी पत्तियां अलग की जाती हैं धोधा के, जिससे ये साफ रहे कि भटकी दाल बनानी है। तो भटकी चुटकैनी जो काले भटकी, और इसको तेल में भुना जाएगा, उसके बाद इसको पका के दिखाते हैं कि भटकी चुटकैनी कैसी होती है। भटकी चुटकैनी बनाने का आज मम्मी का आदेश है। पहले तेल में तलूंगा, हल्का ब्राउन ये भुन जाएंगे, उसके बाद इसको निकाल के फिर इसमें प्याज टमाटर की ग्रेवी बना के और आटे का आलण जिसको कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, जिससे थोड़ा इसमें गाढ़ापन आएगा, वो डाल के इसको पकाया जाएगा। दोस्तों ये है भांग, हमारे भांग के पेड़ों से जो फली निकलती है उसको कहते हैं भांग। इस भांग को अभी मैं थोड़ा गैस में भूनूंगा, जिससे हल्का सा ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद इसको पीसने में भी आसान हो। मैंने ये डाल दिया है इसमें थोड़ा सा भुनने के लिए, और जैसे ये भुन जाता है उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के पीसा जाएगा बारीक तरीके। मेरा जो भांग है वो भुन चुका है, क्योंकि इसमें फट 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 की आवाज़, और जैसे ही दाने गर्म होते हैं तो ये उछलते हैं, और इस तरह से इसको भुना जाता है। या तवे पर भी भून सकते हो, कढ़ाई में भी भून सकते हो, फ्राई पैन में भी भून सकते हो। तो इस तरह से इन भट्टों को पहले हल्का सा तेल में भुना जाता है, जिससे कि अच्छी तरह पक जाते हैं। और वैसे ही डालेंगे तो इसमें थोड़ा कच्चापन रहता है, और ऐसे भून के अगर हम डालते हैं तो ये बढ़िया तरीके से पक जाते हैं। इस तरह से इन भट्टों को हल्का सा भुना गया है, और जिससे कि अब ये पकने में काफ़ी आसानी होगी। ये तेल में हल्की आँच में इसको भुना जाता है, और इस तरह से मैंने ये भून के तैयार कर लिया है। अब इसकी ग्रेवी बनाते हैं, उसके बाद इसको पकाया जाएगा। ये है हमारे पहाड़ों का एक मुख्य मापक यंत्र, और इसी के नाप से हम घर में चावल बनाते हैं, इसको कहते हैं माड़ा। और इसमें 6 मुट्ठी अनाज आता है, इसी के हिसाब से हम इसको मानते हैं कि ये पाव भर का होता है, 250 ग्राम इसका मापक माना गया है, और इसी से नाप के हम चावल बनाएंगे। अभी मैं आपको नाप के दिखाऊंगा कैसे इसमें भरा जाता है। इसको भर के तो ये एक माड़ा हो गया, तो मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। अब मैंने दूसरा माड़ा भर दिया है, अब इसको भी हम नाप से इसमें डाल देते हैं। तो 2 माड़े का हम जो चावल है वो बना रहे हैं, और इस तरह से इस माने से इसको नापा जाता है। जैसे मेरा आला तैयार हो गया है, अब इसको डालते समय दिखाएंगे आपको। तो लगभग अब भटके दाने पक चुके हैं, अब मैं इसमें डालता हूँ आलन, और इस तरह से इसमें आलन डाला जाता है जो आटे का होता है, और जिससे इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा। और इस तरह से इसको डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हिला के इसको इसके इसमें और डाल देंगे। तो जैसे ही ये आटे को पकने देते हैं बढ़िया तरीके से, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए, उसके बाद थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। और आटे को अच्छी तरह पकाना ज़रूरी है, नहीं तो ये पेट में दर्द करेगा। और इसको कम से कम 10-15 से 20 मिनट इस आटे को पकाना पड़ेगा हल्की आंच में। से आके ऐसे ही पस्त पड़ी है, अब अम्मा को खिलाते हैं उधर को।
क्या? वाटरमेलन। तरबूज, तरबूज खिलाते हैं। अम्मा को नींद आ गई? नहीं आई है। आए हैं हम गर्मियों के सीजन में। क्या है? वाटरमेलन। क्या है? वाटरमेलन। हाँ, तरबूज। और तरबूज खिलाते हैं मम्मी को, थोड़ा सा ठंडा। मम्मी कौन है? है? मम्मी कौन है? मेरी मम्मी है। और कौन है? हाँ, तो ये मम्मी को खिलाते हैं और गर्भित को बिल्कुल नहीं देते हैं, इसने बहुत खाया। पचकाने में लगे हुए और उठने की बिल्कुल ताकत नहीं है। और ये है इनके तरबूज, आराम से खा। हाँ, अम्मा के खाने तक चार खा देता है। कैसा हो रहा है? यम्मी हो रहा है? मुझे बोल। तो आप तरबूज खिला रहे हैं, उसके बाद फिर चटनी बनाते हैं, फिर भात खिलाते हैं दोनों को। जो हमारे पहाड़ में नींबू होता है बड़ा दाना, और एक छोटा गलगल होता है, और जमीर होता है, उसको जब निचोड़ के पकाया जाता है उससे ये चूक बनता है, और इसमें खट्टापन होता है जिससे इसका स्वाद और स्वादिष्ट हो जाता है। बिना खट्टे के चटनी नहीं होती है, तो इसी को मिलाया जाता है। इस तरह से चूक को हम रखते हैं यहाँ पर, और यह इसको नींबू को पका के बनाया गया, उसके रस को तो इस बोतल में रखा गया है। एक सदियों तक खराब नहीं होता है। और वैसे ये जमीर का है, जामुन का, और जो बच्चों के पेट दर्द में भी काम आता है। अधिक मात्रा में इसको डाला नहीं जाता क्योंकि इसमें काफ़ी खट्टापन होता है, तो मैं इसमें दो ढक्कन डालूंगा जिससे इसमें पूरा खट्टापन आ जाएगा और चटनी का पूरा स्वाद बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये चूक है जो जमीर का बनाया हुआ है पका के। इसको डालता हूँ मैं यहाँ पर अपने मिक्सी ग्राइंडर में, और इस तरह से अभी मैंने इसको ग्राइंडर किया हुआ है। एक ढक्कन और डालता हूँ जिससे इसमें पूरा स्वाद आ जाएगा चटनी का। ये देखो ये नंगे को देखो, नागे ऐसा कर रहा है। ये देखो, इसको देखो, ये पूरा नंगा हो रहा है। ये देखो इस तरफ पाथर वाला मकान है, इस तरफ लेंटर वाला ही कपड़े डाल रखे है, तो इस तरह का आंगन है हमारा किचन। और यहाँ बना रखा है खाना। ये गर्भित सिंह है, खाना खाने के लिए आए हैं। डाड़ा मैं लेके आता हूँ। डाड़ा लेके आ बोला माँ। डाड़ा ये अम्मा का डाड़ा आ गया। और ये है हमारी भटकी चुरकैनी, आज बना रखी है। और ये हमारे, ये देखो, ये किकड़ाट है ये। तो ये हमारी चटनी बनी है आज, ये सलाद है, और खाना मैंने बनाया, पर चटनी वाली मम्मी है। ये देखो। हाँ, पिचकाओ मत। तो ये हमारा किचन है, अभी चला है हमारा खाना दोपहर का। और आज की जो ये वीडियो थी खाना बनाने की, और इस तरह से चटनी, और चटनी आप पुदीनी और भांग की चटनी खानी है तो आइए पहाड़ों पर, आपको खिलाते हैं भांग की चटनी। और ये हमारा मेरा छोटा सा सलाद, ये गर्मी से नहीं खाता है, इस बोतल में ठंडा पानी है। ये हमारा किचन का नज़ारा। और ये देखो, गर्वी सिंह डांस करो एक बार। गर्वी सिंह का भात पसंद दिया गया है, पसंद दिया है भात। और ये है भटकी चुकी है चटनी। और ये है हमारा सलाद। और ये मम्मी का खाना है, ये गर्वी सिंह का है, गर्वी सिंह का कुछ नहीं है खाना। और ये हमारा ठंडा पानी है, ये शुद्ध धारे का पानी है, ठंडा धारे का पानी। हाँ, धारे का। और ये देखो मम्मी का तार देखो, ये चटनी। तो ये है चटनी हमारी बनी हुई भांग की चटनी, पुदीना, प्याज, टमाटर और चूख इसमें मिला हुआ है, जो पकाया हुआ है। और गर्वी सिंह कह रहे हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये खाते हैं नहीं। हमारी आज के खाना खाने की वीडियो, खाना बनाने की वीडियो, चटनी की वीडियो, और ये देखो ये किकड़ाट को। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो भूल गए थे। जय उत्तराखंड, जय भारत।